संग पांच छह सात ब्रिज ग्वाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला हमारा देश त्योहारों का देश है, पर्वों का देश है और हमारे भारत वर्ष को ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जहाँ पर भगवान स्वयं अवतरित हुए और हम सबको उन्होंने कृतार्थ किया। आइए आज के इस परम पावन पर्व को हम कैसे मनाएं, हम किस तरह से अपने जीवन को जन्माष्टमी बनाएं, इस पर चिंतन करें। आज के दिन भक्तगण उपवास रखते हुए, व्रत रखते हुए और भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का ध्यान करते हैं, उनकी कथाओं का गान करते हैं और रात्रि को 12 बजे फिर प्रभु का प्रागट्य दिवस, प्रागट्य काल, प्रागट्य समय मनाते हैं। सच बात तो ये है, ये जो उपवास है ये केवल फलाहार करना, एक समय खाना या ना खाना ही केवल उपवास नहीं है, बल्कि आज के दिवस कितना ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक हम समय इस तरह से बिताएं कि प्रभु का निकटता हमको मिले। उपवास का अर्थ ही है उपवास, उप माने समीप, वास माने निकटता, वहाँ वास करना। दूसरी बात, भाव से भजन कीर्तन तो हम करते ही हैं, भाव से करें क्योंकि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना कोई, भाव बिना हरि क्यों मिले, इसलिए हम भाव से ही प्रभु का नाम लें। तीसरा है हम उनका ध्यान करें। उनके ध्यान करने का अर्थ है कि हमारा तन मन हर पल उनको समर्पित हो जाए, क्योंकि जब हम उनके ध्यान में भजन और कीर्तन करेंगे, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। प्रभु ने कहा है जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं साठ, तुरंत प्रभु आके हमें अपनी गोद प्रदान करते हैं और उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तेरे दरबारे आला की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखे। फैलाया जिसने कर अपना, फैलाई जिसने झोली अपनी, तेरे दरबार में आकर तुझे देते नहीं देखा, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। यह है प्रभु की कृपा, हमारे जीवन को प्रभु इस तरह से भर देते हैं और उसके लिए प्रभु ना तो हमारी पिछली फाइल उठा के देखते हैं, जैसे हम समर्पित होते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांतिम निगच्छति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और व्यक्ति तुरंत ही धर्मात्मा हो जाता है क्योंकि उसकी शरण जो मिल गई हमको, और शश्व शांतिम उसको पूरी जो शाश्वती शांति है तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। और ये आश्वासन सबके लिए है, सदा के लिए है। इस तरह से सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, मुख में हो राम नाम मुख में हो श्याम नाम और प्रभु का काम हो हाथ में, इस भाव से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, मस्त बने रहें, मजबूत बने रहें और जीवन का कोई भी युद्ध हो उसमें उसको स्मरण रखते हुए अपने जीवन को दिव्य बनाएं।